वो जिसे तुम कहते थे ना कि ये रिंकू सिंह कौन है, अगर अब आपसे कोई पूछे कि ये रिंकू सिंह कौन है तो बता देना कि रिंकू सिंह वह है जो अपने पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीत लिए। रिंकू सिंह वह है जिन्होंने आईपीएल मैच में अपनी टीम के लिए 5 छक्के मारकर जब अपनी टीम को मैच जिताया तो बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने कहा कि हम तुम्हारी शादी में डांस करने जरूर आएंगे। वही रिंकू सिंह जिनका सिलेक्शन टीम इंडिया में नहीं हो रहा था तो हम सभी ने कहा कि यार ये गलत हो रहा है और ये डिजर्विंग है टीम इंडिया में खेलने के लिए। हम तिलक वर्मा का सपोर्ट करते हैं लेकिन हम रिंकू सिंह का साथ नहीं छोड़ सकते क्योंकि रिंकू सिंह में धोनी की झलक दिखती है और रिंकू सिंह धोनी की तरह संयम दिखाते हैं, धोनी की तरह लड़ते हैं और धोनी की तरह ही जिगरा दिखाते हैं। जब अंतिम ओवरों में छक्के और चौके की जरूरत होती है तो धोनी की तरह रिंकू सिंह शॉट लगाकर अपनी टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। आज रिंकू के परिवार की अगर बात करें तो रिंकू के परिवार की बात अगर हो रही हो तो रिंकू के पिता गैस सिलेंडर ढोते थे और रिंकू झाड़ू पोछा की नौकरी किया करते थे। वही रिंकू सिंह आज जो तपते तपते सोना से कुंदन बन गए हैं, अगर यहां से हम कह दें कि अगले 10 सालों तक, अगर 10 सालों तक नहीं तो 5 सालों तक मुझे कहने में ये गुरेज नहीं है कि रिंकू सिंह ये सुनने में आए कि अरे यार रिंकू सिंह तो आज मार रहा है, इतना मार रहा है कि धागे खोल दिया। कल बता दें कि भारत और आयरलैंड के बीच दूसरे T20 में एक और आंखों को सुकून देने वाला वाकया था, जसप्रीत बुमराह की फॉर्म। अगर जसप्रीत बुमराह की फॉर्म की बात करें तो पिछले 2 T20 में, पहले T20 और दूसरे T20 में मिलाकर बुमराह ने 8 ओवर में 39 रन देकर 1 मेडन और 4 विकेट लिया है। वहीं जहां एक तरफ बुमराह के लिए एक्सपर्ट और पुराने खिलाड़ी ये कहने को तैयार थे कि ये अब शायद क्रिकेट न खेल पाए, लेकिन जसप्रीत बुमराह की फॉर्म आंखों को सुकून देने वाली थी और उन्होंने पिछले 2 T20 में 8 ओवर में 39 रन देकर 1 विकेट लिया। और पिछले केवल 2 ओवर की बात करें तो जो कल उन्होंने 17वां और 19वां ओवर डाला तो मुश्किल से 4 या 5 रन देकर टीम को मैच जिताया। ये सुकून देने वाला पल था भारतीय क्रिकेट के फैंस के लिए। कैसी रही वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं।